लो आ गया हूं दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में। आज है 2 सितंबर और मई मंथ का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, जून मंथ का भी रिवीजन चल रहा है। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है और बड़ी जबरदस्त है। चलिए कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किसका हौसला होंगे? अपने पेरेंट्स का होंगे, जिनके लिए आप लोगों ने मेहनत की है और अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, अपने माता पिता के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आप इस मैदान के अंदर उतरे हैं। तो क्या आपका ये मन गवाही देगा कि बिना रणभूमि में उतरे, बिना कोई जंग लड़े हम लोग वापस लौट जाएं? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए हमें जंग भी लड़नी है और जंग को जीतना भी है, तभी आप लोगों के सपने के साथ जुड़े उन माता पिता के सपने भी पूरे होंगे। तो चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जून मंथ के जो क्वेश्चंस हैं रिवीजन क्वेश्चन उनका भी एमसीक्यू जो है उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। यहां पर कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने किसी ने भी आंसर नहीं किया, केवल एक स्टूडेंट ने आंसर किया। हाँ, थोड़ा सा उनका आंसर गलत हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कि ये मूव क्यों कर रहा है, यहाँ पे रीजन क्या है। उन्होंने आंसर दिया था कि नीचे जो है एक मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे ये मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को देखिए, कंडीशन को देखिए, ये जो फैंस यहाँ पे लगे हुए हैं, फिन्स यहाँ पे लगी हुई है, इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है। इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं सनलाइट से ये ऑपरेटेड हो रहे हैं, इसीलिए ये मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक इन्वेंशन के अंदर गिना जाता है, क्योंकि बल्ब के अंदर तो बिल्कुल जो है वो वैक्यूम रहता है, कोई भी चीज हिल ही नहीं सकती बिना हवा के। इसलिए ये ऑपरेट किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है सोलर एनर्जी के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में, और आज का न्यूज ऑफ द डे यही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, निम्न में से कौन सी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यरत नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंदु मल्होत्रा जो है वो कार्यरत नहीं है, क्योंकि इनकी जगह पर, मतलब ये तो हो चुकी है रिटायर, लेकिन इनकी जगह पर इंदिरा बैनर्जी जो है वो कार्य कर रही हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी टोटल 34 जजेस काम कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 34 जजेस हैं, उनमें से 33 काम कर रहे हैं, और 33 जो है उनमें से 4 जो है वो क्या है, वुमेन जस्टिस हैं। तो इंदु मल्होत्रा नहीं, इंदिरा बैनर्जी जो है वो उन 4 जस्टिस में से गिनी जाती हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि बीवी नागरत्ना जो हैं, इनकी उम्मीद है कि 2027 तक ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं बेला एम त्रिवेदी, ये कहां की है, गुजरात हाई कोर्ट की। तो ये तीनों जो महिलाएं हैं इनको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है। देख लीजिए, जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो एक कोलेजियम की सिफारिश पर होता है, और उस कोलेजियम के अंदर 4+1 ये रेशो चलता है। मतलब ये जो 1 है ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये है 4 सीनियर मोस्ट जजेस। देखिए कोलेजियम जो था वो 1993 के 3 जजेस केस के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसी के आधार पर जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि वर्ष 2015 के अंदर, 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके तहत एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो था वो अस्तित्व में आया। इसके बाद दिसंबर 2015 में ही, कुछ महीनों बाद ही, दिसंबर 2015 के अंदर ही एनजेएसी जो है इसको वापस से रद्द कर दिया गया। तो हम लोग कहेंगे कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको रद्द किया जा चुका है, और एनजेएसी जैसी व्यवस्था जो है ये खत्म की जा चुकी है, और वापस से कॉलेजियम एस्टैब्लिश हो चुका है अपॉइंटमेंट्स एंड जजेस के ट्रांसफर के लिए। तो ये तीनों नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल 101% एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो यहां पर न्यूज क्या है कि 9 जज जो है इनको अपॉइंट किया गया है,
और इन 9 जजेस के अंदर 3 महिला न्यायाधीश है और आज तक के इतिहास में 4 महिला न्यायाधीश एक साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश 1989 के अंदर फातिमा बीवी इन्होंने काम करना शुरू किया था। ये पहली महिला न्यायाधीश थी। ध्यान रखिए मैं कह रहा हूं कि महिला न्यायाधीश है, महिला मुख्य न्यायाधीश भारत में अब तक नहीं बनी है। ये भारत की एक बड़ी विडंबना है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहां पर भी जेंडर इनइक्वालिटी जो है गैप वो भी हो रहा है। कैसे? टोटल 644 जजेस जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर मिलाकर काम कर रहे हैं और इनमें से केवल 77 जो है वो वुमेन जजेस है। हम लोग कहें कि इनका जो वेटेज है वो केवल 12% है और इसको हम लोग लेटेस्ट आंकड़े से देख सकते हैं। टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ एंड वुमेन जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट अक्रॉस इंडिया, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो तो है ग्रीन के अंदर और फीमेल जजेस है वो है ब्लू के अंदर। तो जहां पर 94 टोटल मेल जजेस हैं, इनमें 7 जो हैं वो क्या है, महिला न्यायाधीश है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर तेलंगाना जो है वहां पर सर्वाधिक महिला न्यायाधीश, हम लोग कहें कि इसका रेशियो आप लोग देखिए, यहां पर आप लोग रेशियो देख सकते हैं कि 14 में से 2 जो है वो महिला न्यायाधीश है। तो सबसे ज्यादा महिला न्यायाधीश कहां हो गई, तेलंगाना के अंदर हो गई। यहां पर परसेंटेज जो है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर 0 और 1 फीमेल जजेस जो है वो काम कर रही है। जैसे हम लोग बात करें गुवाहाटी, तो वहां पर 20 जो है टोटल क्या है वर्किंग स्ट्रेंथ है और 1 क्या है वो फीमेल जज है। तो 20 में से केवल 1, 10 में से केवल 1, 11 में से केवल 1, ये तो उन स्टेट्स की बात है जिनको हम लोग कहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफी आगे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश है, टूरिज्म सेक्टर में काफी आगे है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, जिसको हम लोग कहते हैं खनिजों का अजायब घर है ये, तो यहाँ पर 15 में से केवल 1 महिला न्यायाधीश है। राजस्थान की बात करें तो टोटल 23 में से केवल 1 महिला न्यायाधीश है और यहाँ तो आंकड़ा पूछे ही मत। पटना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ पर तो एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। कौन से जेंडर इनइक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, देखिए जेंडर इक्वालिटी जो है यदि हम लोग उसका इंडेक्स देखें तो हमारी जो रैंक है वो 112 से फिसल कर 140 पर पहुंच गई है जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर। तो हमारे यहाँ पर जो लैंगिक भेदभाव है वो काफी ज्यादा होने लगा है। तो हमारी रैंक आप लोग देख सकते हैं, इंडिया की रैंक काफी ज्यादा पीछे पहुंच चुकी है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 6677 जजेस जो हैं उनमें से काफी कम जजेस वुमेन हैं, मतलब 12% ही। ठीक है, तो टोटल 81, पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक आंकड़ा और दिखाया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 77 और यहाँ पर आप लोग देखिए कि 81 है, तो वो 6644 में से था और यहाँ पर 677। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देखिए कि वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो 4 महिला जज जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, 33 की है। यदि हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करें तो ये आंकड़ा जो है इसको आप लोग करेक्ट मानना, 77 वुमेन। ठीक है, तो 644 में से 77 वुमेन जजेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं और इसके लिए आप लोग एक रिपोर्ट जरूर याद रखना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सबसे ज्यादा जो महिला पुलिस कर्मी है वो कहां पर है, बिहार के अंदर है और बिहार में 25% महिला पुलिस कर्मी काम करती है पूरे भारत में सबसे ज्यादा। इसके बाद में इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि तेलंगाना में सर्वाधिक महिला न्यायाधीश जो है वो कार्यरत है। सबसे जल्दी न्याय उपलब्ध कराने के मामले में महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं और 5 सितंबर तक ये चलेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अवनी लेखरा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। ठीक है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है और इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, राजस्थान ने इनको क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जयपुर की ये रहने वाली हैं। देखिए जयपुर की एक खिलाड़ी और हैं, जयपुर की एक खिलाड़ी और हैं, वो भी 10 मीटर एयर राइफल जो है वो शूट करती हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एक
महिला खिलाड़ी और दूसरी कौन सी है जो कि 10 मीटर एयर राइफल के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि अवनी लेखरा जो हैं वो भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, पैरा ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, 19 साल की ये है और राजस्थान ने इनको ब्रांड एम्बेसडर एज ए अपॉइंट किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत। और राजस्थान के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ममता भूपेश, उन्हीं के द्वारा इनको क्या किया गया है, यहां पर अपॉइंट किया गया है। चलिए 10 मीटर एयर राइफल ये करती हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल जो है जब भी प्लेयर आते हैं तो उनसे संबंधित जो भी स्पोर्ट्स है वो तो पूछा ही जाता है। इसके साथ में ही इन्होंने डिफीट किसको किया है, डिफीट किया है चाइना की जैंग क्यूपिंग जो है इसको डिफीट किया, और सेकंड नंबर पर इन्होंने यानी कि थर्ड पोजीशन पर यूक्रेन जो है इनको भी इसी ने क्या किया, डिफीट किया था। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, ममता भूपेश का क्या है ये एक ट्वीट है। राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्थित है और नॉर्थ इंडिया का ये जो स्टेट है यहाँ पर थार का रेगिस्तान स्थित है। देखिए थार का रेगिस्तान जो है वो कहाँ का स्थित है, गुजरात के अंदर, इसके बाद में राजस्थान में, फिर वो स्थित है पंजाब के अंदर, और यहाँ पर तीन राज्य जो है यहाँ पर थार का डेजर्ट स्थित है, और इसके साथ में ही यहाँ राजस्थान के अंदर जो टोटल एरिया है वो पूरे भारत का 10.4% है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कौन सी कौन से नंबर में आती है, सेवंथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। देखिए राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट बना कब, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ था, 26वां राज्य वो बना था, और वो बना था 1 नवंबर 2000 को, और इसके बाद में ही राजस्थान जो था वो फर्स्ट नंबर का एरिया वाइज स्टेट बन गया था। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं, और कैपिटल है क्या, जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अशोक गहलोत हैं, और रिसेंटली आपको पता होगा कि कल्याण सिंह जो हैं, कल्याण सिंह वो राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुके थे। चलिए देश के नए उप चुनाव आयुक्त जो है, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन बन चुके हैं, तो श्रीकांत टी जो है वो क्या बन चुके हैं, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। इनसे पहले उमेश सिन्हा इस पद पर थे। देखिए यदि हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में, वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और इस समय ये केवल एक सदस्यीय समिति थी, ये केवल एक सदस्यीय आयोग था, समिति नहीं आयोग था। ठीक है, एक सदस्यीय आयोग था। देखिए चुनाव आयोग की जब बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है, तो इलेक्शन जो है वो एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक होते हैं स्टेट लेवल पर, और थर्ड जो आता है वो है, आता है पंचायती लेवल पर। तो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर, दोनों जो हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इलेक्शन करवाए जाते हैं, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल और केवल पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ही इलेक्शन करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसको कहां पर लिखा गया है, 243 के जो आर्टिकल है यहां पर इसका उल्लेख किया गया है, जबकि सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल किसके लिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर राज्य की विधानसभाओं के लिए क्या कराती है, इलेक्शंस करवाती है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मिस्टर सुशील चंद्रा जो हैं वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसके साथ में ही राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं, और मिस्टर अनूप चंद्र पांडे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो दो तो हो गए इसके अंदर मेंबर और एक हो गए इसके अध्यक्ष। उमेश सिन्हा जो थे इनका अपॉइंटमेंट जनवरी 2021 के अंदर किया गया था, और अब जो है रिसेंटली नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। भारत के पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे, इनका अपॉइंटमेंट 21 मार्च 1950 को किया गया था और 19 दिसंबर 1958 तक किया गया था। इस पूरी लिस्ट के अंदर एक सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट है और वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, वी एस रमा देवी। तो वी एस रमा देवी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर कमीशन के अंदर अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन है, और इनका टेन्योर आप लोग देखिए 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक, हम लोग कहें कि केवल और केवल 15 दिन के लिए ही यहां पर इनको क्या बनाया गया था, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। तो
अभी वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है, इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे। क्या इसका आंसर कोई दे पाएगा कि इतने कम समय के लिए और वो भी पहली बार ही तो ये बनी थी? चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो अभी हम लोगों ने देखा वी एस रमावी देवी जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इनको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इनका टेन्योर जो है वो 6 साल या 65 वर्ष का होता है। 6 साल या 65 वर्ष का होता है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो 24th इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? सुशील चंद्रा है, और इन्होंने चार्ज लिया था वो अप्रैल 2021 के अंदर लिया था। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अंडर विच आर्टिकल द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आर लिस्टेड? तो इसके लिए आर्टिकल जो है वो है 324, ठीक है, 324 आर्टिकल है। देखिए इसी को यदि आप लोग थोड़ा पलट देंगे तो 243 यहां पर आ जाएगा, तो वो किसके लिए आ जाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को आर्टिकल के अंदर फेर बदल करना है। जैसे कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे 123 है, 213 है, ठीक है, ये आर्टिकल ऐसे हैं। कुछ एक आर्टिकल मतलब आपको लगभग मैं 50 के आसपास ऐसे आर्टिकल बता सकता हूं, 50 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें केवल हम लोग ये नंबर जो है फेर बदल करेंगे तो उसमें काफी अच्छा रिलेशन जो है वो हम लोग बैठा कर और फिर इसको याद कर सकते हैं। चलिए टॉप 5 रिक्रूटमेंट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे लीडर जो है राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल, इसके साथ में और भी आपके पास में अपॉइंटमेंट है, आप लोग इनको जरूर देखना। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जो है उनको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट्स है इनको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए भारत और चीन के बीच कहां पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो सिक्किम के अंदर आप लोगों को पता है कि नाथुला पास स्थित है। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा वो कहां पर सिक्किम के अंदर स्थित है और वहां पर हॉटलाइन जो है इसकी स्थापना की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली है? तो 5th जो है पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर की सबसे अमीर फैमिली ये बनी हुई है। किसने सामान्य बीमा व्यवसाय मतलब इसके नेशनलाइजेशन संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो लोकसभा के द्वारा ये जो विधेयक है, अमेंडमेंट बिल जो है, इसको पास किया जा चुका है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो अमित शाह ने 30 अगस्त 2021 को कहां पर लॉन्च की है? तो गांधीनगर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। लड्डू बांटने की कहां जरूरत पड़ रही है? ठीक है, सोचने की बात है लेकिन जरूरत है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण जो है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा है। माल न्यूट्रिशन जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं उनको टोटल 15 लड्डू जो हैं वो बांटे जाएंगे ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन जो है उसकी आपूर्ति उसको क्या किया जा सके, फिल किया जा सके। इसलिए ही लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो गांधीनगर के अंदर शुरू की गई है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको क्या किया गया है, लड्डू स्कीम के अंदर शामिल किया गया है। तो 15 न्यूट्रिशियस जो लड्डू हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ जो है वो टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड थ्रू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट माल न्यूट्रिशन। तो हर महीने जो है वो 15 लड्डू उनको दिए जाएंगे और इसके तहत 7,000 महिलाएं जो हैं इनको कवर किया जाएगा। तो हम लोग माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो आंकड़ों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? तो यहां पे देखिए आप लोग, बिहार जो है वो माल न्यूट्रिशन के अंदर सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप लोग देखिए कि ये जो ब्लू वाला है इसके अंदर क्या है, ये 3HD का मींस है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जबकि 2HD के अंदर है माल न्यूट्रिशन की माइल्ड रूप के अंदर है। तो बिहार जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 24.1% और 55.9% सबसे ज्यादा जो है माल न्यूट्रिशन कुपोषण के अंदर बिहार फर्स्ट पोजीशन पर है। और ऑल इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो 15.8 और 42.5। तो यहां पर ये जो आंकड़ा है इसको आप लोग जरूर याद रखना, ये ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए पूरे वर्ल्ड की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो दिखाए रखे हैं यहाँ पर, ये जो है इनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया के अंदर 35.8% जो है वो माल न्यूट्रिशन आता है और सबसे
कम जो है वो अमेरिकन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो कंट्रीज है यहाँ पर भी है, और ईस्ट इंडिया पैसिफिक ओशन के अंदर जो टचिंग कंट्री है वहां पर भी काफी कम माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ स्कीम्स है, जैसे शगुन योजना है वो पंजाब की है, अभ्युदय योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की, आपको पता है कि स्कॉलरशिप जो है वो इसके तहत दी जाती है, बैगर्स फ्री स्कीम जो है वो राजस्थान की है, टी गार्डन मनी अवार्ड जो है स्कीम वो असम की है, और भोग स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश की है। तो काफी सारे स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रखी है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है, तो नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जो है इसके द्वारा 8th सर्वे जो है इसको रिलीज किया गया है। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके द्वारा बताया गया है कि बेरोजगारी के कारण, अनएम्प्लॉयड के कारण 24% जो है वो सुसाइड केसेस के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है, तो 650 बिलियन डॉलर जो है इसकी अनुमति की सहायता, अनुमति जो है मंजूरी जो है वो दी गई है आईएमएफ के द्वारा। देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर, ये आप लोग जरूर याद रखना। पोषण माह, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे लड्डू स्कीम की, तो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं पोषण माह। तो पोषण माह सितंबर के अंदर जो है वो मनाया जाता है, माल न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए ही तो कई स्कीम्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो ये जो है पोषण माह ये कब मनाया जाता है, सितंबर के अंदर ये मनाया जाता है, और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला जो है वो समुद्री परीक्षण किया है, तो फर्स्ट क्या है इसका ये परीक्षण जो है, फर्स्ट सी टेस्ट जो है वो किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है, तो 41 ईयर जो है उसके बाद में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता गया है। किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो नॉर्थ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बीआरओ जो है इसके द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पे एक दर्रा है खारदुंगला एक दर्रा है, माउंटेन पास है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा व्हीकल चलाने के लिए क्या है, माउंटेन पास है। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये 31 अगस्त को इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आप लोग को पता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर के आधार पर कई सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है, और यही डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ही ये जो इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट के लिए 31 अगस्त को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टू प्रमोट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अफ्रीकन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके अगेंस्ट ही ये जो है ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अफ्रीका की यदि हम लोग बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची जो पीक है वो कौन सी है, किलिमंजारो है, किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर नाइल रिवर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि साउथ टू नॉर्थ क्या करती है, बहती है, फ्लो करती है, दो नदियों से मिलकर बनी होती है, एक तो ब्लू नाइल रिवर और एक व्हाइट नाइल रिवर। ठीक है, व्हाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर, तो व्हाइट नाइल रिवर जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया लेक से, और ब्लू नाइल रिवर जो है वो कहां से निकलती है, टाना झील से निकलती है, इथोपिया से, दोनों मिलकर ही ये क्या बनाती है, नाइल रिवर बनाती है। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट का पूरे जो लैंड एरिया है उसका 20% क्या करता है, अफ्रीका इसको ऑक्यूपाइड करता है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन में से 16% जो पॉपुलेशन है वो कहां पर स्थित है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप लोग के लिए है, जैसे वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो 20
2 अगस्त को 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो 21 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छर दिवस, 20 अगस्त को। इसके साथ में ये ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप लोग देखिए कि RMI इंडिया और किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, तो पॉलिसी कमीशन जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत ये बताया गया कि भारत 2030 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, काफी हद तक हम लोग सोलर एनर्जी जो है इसको एडॉप्ट कर लेंगे। भारत का पहला शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर जो है वो कौन सा बन गया है, तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के अंदर स्थित है, और भुवनेश्वर ही भारत की पहली स्मार्ट सिटी भी है। चलिए, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो ये बुक जो है वो तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखी गई है, एक्ट्रेस है। हम लोग और बुक्स की यदि बात करें तो एमसी मैरीकॉम की अनब्रेकेबल जो है वो किसकी है, वो एमसी मैरीकॉम की है। जैसे एक बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये किसकी है, ये बुक है मलाला यूसुफजई की। इसके बाद में बुक है प्लेइंग इट्स माय वे, सचिन तेंदुलकर की ये बुक है प्लेइंग इट्स माय वे। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद की बुक है, और कल भी हम लोगों ने कुछ एक बुक्स जो थी वो कवर की थी। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया, इनके द्वारा बैक टू द रूट जो बुक है इसको लिखा गया है, जो कि किस पर आधारित है, एंशियंट सीक्रेट्स ऑफ इंडिया हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर ये आधारित है। कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये बुक जो है वो लुसियानो रैंकिल के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, तो पल्लवी अय्यर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके साथ में बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा, तो मन भाटिया, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखिए, बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो भारत की तरफ से ऑपरेशन बंदर जो था वो चलाया गया था, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट जो है ये इसका नाम है। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर, ये बुक जो है वो ब्रिशा जैन की है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की बुक है, और काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रखना। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है इसके द्वारा बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर भी स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। झेलम जो रिवर है, झेलम वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री निर्मित करती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थायी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है, तो हरियाणा के अंदर ये अनुमति दी गई है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो आप लोग को पता होगा, अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर ही भारत के पहले सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर एज ए कैप्टन जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो आर्मी के अंदर कैप्टन अपॉइंट होने वाले पहले सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, अनुराग ठाकुर हैं, और इन्हीं के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के 2 साल पूरे होने के बाद ये मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ द फिट इंडिया प्रोग्राम, इसके तहत ही ये क्या किया गया है, ऐप को लॉन्च किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल को मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो दिल्ली के अंदर। फिर आप लोग देखिए, किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने। 9 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा, तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि कल के क्वेश्चन ये जो है रिपीट हो गए हैं, तो अगस्त रिवोल्यूशन डे जो है वो 8 अगस्त को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको शुरू किया गया था ग्वालिया टैंक से। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहां संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है, तो अदन की खाड़ी में जो है ये क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, अदन की खाड़ी जो है ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है अरेबियन सी के अंदर, या हम लोग कहें इंडियन ओशियन के अंदर। लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, तो अरेबियन सी के बिल्कुल नजदीक है, गल्फ ऑफ अदन
ये जो है यहाँ पर एक वाटर स्ट्रेट है बाबल मंदेव, तो बाबल मंदेव जो वाटर स्ट्रेट है ये रेड सी और इसके साथ में अदन की जो खाड़ी है गल्फ ऑफ अदन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है और एशिया को अफ्रीका से एक दूसरे से अलग करती है। तो वाटर स्ट्रेट ही हम लोग उसको कहते हैं कि जो दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करे और दो लैंड बॉडीज को एक दूसरे से क्या करे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करे, वाटर बॉडीज को अलग करे लैंड बॉडीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो गल्फ ऑफ अदन स्थित है और यहीं पे ये क्या किया गया है, कंडक्ट करवाई गई है ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो इंडिया और जर्मनी जो है इन दोनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से इसके अंदर वॉरशिप जो है वो त्रिकंड शामिल हुआ है, जबकि जर्मनी की ओर से वॉरशिप इसके अंदर बायन इसके अंदर शामिल हुआ है। तो ये याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बस आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर करवाया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। गल्फ ऑफ अदन की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि काफी ज्यादा विवादों में रहता है, आप लोग इसका नाम जरूर याद रखना, सोकोत्रा। ये जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा विवादों के अंदर रहता है। चलिए, एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो बैंगलोर के अंदर ये कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए किसने कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो 250 बिलियन डॉलर जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Where is Kilauea volcano is located? ठीक है, तो recently क्या हुआ है कि active हुआ है और active होने से earthquake जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो USA के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ one liner question जो है वो repeat हुए हैं, है ना, तो कल की क्लास में रिपीट नहीं होंगे, हम लोग इनको चेंज कर देंगे। तो किलियाओ वॉल्केनो जो है वो यूएसए के अंदर स्थित है। एक वॉल्केनो और है जैसे मोना लाओ, ये जो वॉल्केनो है ये भी कहां स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। चलिए, आपको आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो है वो हम लोग आज कवर करते हैं और ये किस नदी पर बने हुए। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जैसे पहला है इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी के ऊपर केरल के अंदर स्थित है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उकाई परियोजना गुजरात के अंदर स्थित है और ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना गुजरात के अंदर ताप्ती नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल के अंदर। फिर है काकरा पारा परियोजना जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है, काकरा पारा आप लोगों को पता होगा कि एक एटॉमिक पावर प्लांट भी है। कोल डैम परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जवार सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर कहां पर स्थित है, राजस्थान के अंदर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, याद करते चलिए आप लोग। आप लोग एक काम करना कि डायरी के अंदर जो है वो इन सभी को नोट जरूर कर लेना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड के अंदर स्थित है। तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर स्थित है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए कुछ एक और हम लोग कवर कर लेते हैं। नाथपा झाकरी, ये काफी ज्यादा भी न्यूज के अंदर रहा है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर झारखंड के अंदर। फिर पोचमपाद परियोजना जो है वो महानदी पर कर्नाटक के अंदर स्थित है। फरक्का डैम, ये भी काफी विवादों में रहता है, आप लोग को पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये थोड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा था, गंगा नदी पर वेस्ट बंगाल के अंदर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए भाखड़ा और नांगल ये दोनों अलग अलग डैम है। भाखड़ा जो है वो तो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और नांगल परियोजना जो है वो पंजाब के अंदर स्थित है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। भीमा परियोजना पवना नदी पर तेलंगाना के अंदर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रंजीत सागर बांध परियोजना कहां पर स्थित है, रावी नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान के अंदर स्थित है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर, ये कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। सरदार सरोवर ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। और हिडकल परियोजना, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था हिडकल परियोजना, आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जरूर देखना 2018 का, वहां पर ये मिलेगा। और घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
जून मंथ का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2021-2021 में दूसरे स्थान पर कौन से दो राज्य रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सेकंड पोजीशन पर आए थे और केरल जो था वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था। हाल ही में देश के द्वारा नकली सूरज बनाकर उसका तापमान 101 सेकंड तक अधिकतम रखने का रिकॉर्ड जो है वो चाइना के द्वारा बनाया गया है। तिलहन व दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ICMR के द्वारा किस नए COVID-19 किट को घरेलू उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, तो पैन बायो किट जो है इसको मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र के अंदर। याद रखना जून मंथ का हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं। भारत में मौजूदा अस्पतालों के बेड का रियल टाइम डेटा जो है उसको अपडेट करने के लिए समझौता भारत ने किसके साथ किया है, यूएसए के साथ में। नासा के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन से दो मिशन भेजे गए हैं, तो दा विंची प्लस और वेरिटास जो हैं वो भेजे गए हैं। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई और सनराइज ये सूर्य के लिए हैं, लूनार गेटवे और आर्टेमिस ये किसके लिए हैं, यह है चंद्रमा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये मान के चलना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, डेविड डायोप ये इसका करेक्ट आंसर है। और इनकी जो बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक ब्लैक ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। रेड टूरिज्म किस देश की परियोजना है जो ऐतिहासिक व धरोहर स्थल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, तो चाइना की ये परियोजना है। इजराइल के नए राष्ट्रपति जो है वो कौन निर्वाचित हुए हैं, इजाक हर्जोग जो हैं वो निर्वाचित हुए हैं। 1 सितंबर की हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसे उड़ीसा सरकार के द्वारा बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया है, तो अमित रोहिदास जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल भाविना पटेल ने किस खेल में दिलाया है, तो टेबल टेनिस ये खेलती हैं। टोक्यो पैरालंपिक में निशात कुमार ने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कुटनिया ने डिस्कस थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अवनी लेखना ने गोल्ड मेडल जो है उसको जीता है। देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा जेवलिन थ्रो के अंदर कौन सा इनके द्वारा जीता गया है, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग थोड़ा देखना, सिल्वर मेडल यहाँ पर रहेगा। भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक के F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, तो इनके द्वारा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में सुमित आंतिल ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के विनोद कुमार ने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर के अंदर स्थापित किया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है। ग्लोबल डेफी एडॉप्शन डे जो है, मतलब डेफी मतलब डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस जो है ये एडॉप्शन कब, इसके भारत का कौन सा स्थान है, इसके अंदर 6ठा स्थान है। एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है तनुश्री पोद्दार जो है ये इसके राइटर हैं। किस कंपनी ने टोक्यो पैरालंपिक टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है एडिडास। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो किसने जीता है, मैक्स वेस्ट्रापेन जो है इनके द्वारा जीता गया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोज क्वेश्चन था, तो यहाँ पर शुभ्रता घोष जो है इन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन, तो इनके लिए तो आज जो है वो क्लैपिंग बनती है। तो 4ठा टाइगर रिजर्व जो है वो किसका है, राजस्थान का है, और ये पूरे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, तो इन्होंने पूरा जो है वो इसमें लिख दिया है, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स, और 51वां टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर बनाया गया था, तमिलनाडु के अंदर बनाया गया था। तो पूरे जो है इन्होंने लिख दिए हैं, 526 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में, 524 कर्नाटक में, तो काफी अच्छा इन्होंने आंसर किया है। चलिए आज देखते हैं कि आज कौन अच्छा आंसर करता है। आज का स्टडी ग्लोज क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वैश्विक कोवैक्स गठबंधन जो है ग्लोबल कोवैक्स अलायंस के अंदर शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और यहां पर आप लोगों के लिए क्विज अवेलेबल करवाया जाता है, और जून मंथ के जो भी करंट अफेयर है वो भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए
कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। लेकिन आप लोग को ये सेशन जो है वो जरूर से शेयर करना है। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग को ये सेशन जो है वो जरूर से शेयर करना है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।